यह कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव हिरणपुर का है। सच बताऊं तो हिरणपुर से 15 से 16 किलोमीटर दूर एक कंचनगढ़ गुफा नाम का जगह है, जहां पर चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ी और उन पहाड़ों में चारों तरफ बस पैर पौधे और दूर दूर तक जंगल ही जंगल नजर आते थे। तो चलिए आज हम लोग इस जगह में घटी हुई एक अनहोनी घटना के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि यह कहानी एक नॉन फिक्शन कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाना चाहते हैं। इस कहानी को सिर्फ एक कहानी के रूप में ही आप लोग ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ऐसे ही सस्पेंस वाली कहानियां पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल सस्पेंस स्टेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर ले। चलिए आगे सुनते हैं। हिरणपुर से करीबन 15 किलोमीटर दूर कंचनगढ़ नाम का गुफा है। वैसे तो यह गुफा में लोग भगवान भोले शंकर की दर्शन करने जाते हैं। उस जगह के आसपास ना ही कोई गांव है और ना ही कोई घर, सिर्फ चारों ओर पहाड़, पर्वत की पर्वत नजर आएंगे। इस जगह में बहुत ही कम लोग आया जाया करते हैं और तो और बारिश का मौसम था, इस कारण काफी कम ही लोग पहाड़ वाले इलाकों में जाना पसंद करते थे। एक दिन हिरणपुर के दो दोस्त मिलकर इस गुफा पर जाने का निर्णय लेते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। वह दोनों दोस्त बाइक में सवार होकर इस गुफा की ओर चलते हैं। उन्होंने सोचा था कि मात्र 2 घंटा के बीच ही वह वापस आ जाएंगे, लेकिन पहुंचने की थोड़ी ही देर पहले ही उन लोगों का बाइक खराब हो जाता है। अब वह एक सुनसान पहाड़ों की रास्ता में फंस चुके थे। चारों तरफ पहाड़, पेड़ और जंगल नजर आ रहे थे। उस दिन उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजर रहा था, ना कोई गाड़ी, ना कोई बाइक, ना कुछ। काफी कोशिश करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा था। कंचनगढ़ अब भी वहां से 4 किलोमीटर दूर था। शाम के 5:30 बज चुके थे। धीरे धीरे अंधेरा होना चालू हो गया था। उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग कंचनगढ़ गुफा तो दूर की बात, अब हमें जल्द से जल्द घर की ओर लौटना चाहिए। वह लोग अपने बाइक को ठेल कर आगे बढ़ने लगे, लेकिन यह काम कठिन था। काफी जंगल भरे रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ रहा था। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और वह लोग उस बारिश में भीगते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब बारिश इतनी तेज हुई कि उन लोगों के लिए उस रास्ते में टिके रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बीच रास्ते में उन्हें एक पुराना सा घर जैसा टूटा फूटा खंडर जैसा दिखाई दिया। दोनों ने उस घर में थोड़ी देर रुकने का निर्णय लिया, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम रोन था, वह कहने लगा कि हमें कैसे भी करके इस जगह से चले जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। जरूरत पड़े तो हमें हमारे बाइक को यहीं पर छोड़कर दौड़ दौड़ के भाग जाना चाहिए। लेकिन आशीष ने कहा कि क्यों ऐसा करना है, कोई रात के 12 थोड़ी बज रहे हैं, हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर इस पुराने से घर में रुक जाते हैं, वैसे भी इस घर में कोई भी नहीं रहता, जैसे ही बारिश कम होगी हम लोग निकल पड़ेंगे। ऐसे करते करते शाम के 7:30 बज रहे थे। बारिश अब भी बहुत तेज हो रही थी। वह लोग बारिश से तो बच गए थे क्योंकि वह घर ने उन्हें आसरा दिया था। रात 8 बजे तक बारिश थोड़ी धीरे हुई और वह लोग डिसाइड किए कि बाइक को यहीं पर पार्किंग पर लगाकर हम लोग चलते हैं और फिर कल सुबह सुबह मैकेनिक को यहां आकर बाइक लेके जाएंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वह लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाले थे। जैसे ही वह दोनों दोस्त उस घर से बाहर निकलकर अपने बाइक को छोड़कर वहां से चले जाने का निर्णय लिया और उस पुराने से घर से बाहर निकलने लगे, तो उस घर के बाहर से बहुत तेज पैरों के चलने के आवाज आने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उस घर के अंदर आ रहे थे। उन दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि एक भीड़ उस घर की ओर आगे बढ़ रही है। बहुत ही तेजी से पैरों का चलने का आवाज उस घर की ओर आने लगा। वह दोनों बहुत डर गए थे, जबकि वहां पर दूर दूर तक ना कोई गांव, ना कोई लोग, ना कोई जनजाति मिलती है। आखिर किस तरीके से इतने लोग एक साथ इस घर के बाहर आया जाया कर रहे हैं। ऐसे में उन दोनों नौजवानों की पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक चुकी थी। वह लोग बहुत डर चुके थे और कैसे भी करके अपनी जान की भीख ऊपर वाले से मांग रहे थे। वह लोगों ने निर्णय लिया कि फटाफट से हम लोग कहीं पर छुप जाते हैं। लेकिन विडंबना यह थी कि उस घर में छुपने का एक भी जगह नहीं था, लेकिन एक कोने के अंधेरे में एक पुराना सा टेबल पड़ा हुआ था, बिल्कुल टूटा फूटा सा। उसी टेबल के नीचे वह दोनों जाकर छुप गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो लोग अपने पैरों का चलने का आवाज कर रहे थे, वह लोग ना तो घर में घुस रहे थे और ना ही एक तनिक भी रुक रहे थे। लगातार उन लोगों का पैरों का चलने का आवाज हो रही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद भी उनमें से कोई भी लोग उस घर के अंदर नहीं घुस रहे थे और ना ही उस घर का दरवाजा को खोल रहे थे। वह दोनों दोस्त काफी डर चुके थे क्योंकि यह एक अजीब बात था, बहुत ही अजीब।
काफी वक्त बीत जाने के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया कि क्यों ना वे दोनों उस घर में बने एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करें। वे लोग डरते डरते उस टेबल के नीचे से बाहर निकले और खिड़की की ओर आगे बढ़े। दोनों ने डर डर के उस खिड़की के बाहर झांकने लगे। बाहर उन्हें थोड़ी थोड़ी बारिश होते हुए दिख रही थी और तो और उन्हें चारों तरफ धुआं धुआं देखने को मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें भीड़ तो दूर की बात, उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और यह बात उन लोगों को और भी ज्यादा डराने के लिए काफी था। तभी रोन कहता है, यह सब हो क्या रहा है? आखिर यह लोग है कहां पर है? हम लोग आज जिंदा रहेंगे या नहीं? हमें कैसे भी करके अपने घर में या हिरणपुर पुलिस स्टेशन में फोन करके यह सब बताना ही पड़ेगा। लेकिन तभी आशीष कहता है कि ऐसा कैसे करें, हम लोग फोन टावर ही तो नहीं है यहाँ पर। शायद यह लोग घर के दूसरे तरफ है, इसलिए इस तरफ हमें कोई भी नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो रोन कहता है, अगर यह लोग कोई गुंडे या आतंकवादी हुए तो हमें कैसे भी करके यहां से निकलकर भाग जाना चाहिए। आशीष कहता है, अगर वह लोग हमें पकड़ लेते हैं तो हमें गोली से मार देंगे, उसका क्या? रोन कहता है, हो सकता है वह थोड़ी देर बाद इस घर में आकर हमें मार दे। कम से कम हमें भागने का कोशिश करना चाहिए, दरवाजा खोलते ही हम लोग पूरी जी जान लगाकर दौड़ लगाएंगे। लेकिन वहां पर आशीष ने एक बहुत ही समझदारी वाली बात किया जिसमें रोन को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। आशीष ने कहा कि सोचो भाई, बाहर में हमारा बाइक गिरा हुआ है, आखिर वह लोग उस बाइक को देखकर हमें इस घर में ढूंढने क्यों नहीं आए? इसका कुछ तो कारण होगा। हो सकता है वह लोग इस घर में नहीं घुसना ही नहीं चाहते होंगे। हो सकता है कि हम लोग इस घर में सबसे सेफ हैं। रोन कहता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर यह लोग इंसान ही है तो उस बाइक को देखकर हमें ढूंढने की कोशिश भी कर सकते थे। लेकिन वह लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इन लोगों का आखिर इरादा क्या है? यह लोग इंसान है या कोई भूत? आशीष ने कहा, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें सुबह तक यहां पर चुपचाप इंतजार करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें इस घर से नहीं निकलना चाहिए। और इसका एक बहुत ही सटीक कारण भी था, एक बहुत ही अजीब बात। आशीष ने रोन को कभी नहीं बताया था कि उसे रोन की दादी, जो 3 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, वह उसे आज भी दिखाई देती है। और तो और उस रात उस पुराने से घर में रोन की दादी आशीष को दिखाई दे भी रही थी और वह बस चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर इशारा कर रही थी कि कुछ भी हो जाए उसके पोते रोन को और उसको कैसे भी करके इस घर के बाहर सुबह तक नहीं जाना है। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा परेशान होकर रोन ने यह कह दिया कि यहां से भागना ही सही होगा, हम लोग यहां से भाग जाते हैं, पूरा तेजी से भागेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, कहीं पर नहीं रुकेंगे, बस भागते जाएंगे। बहुत ही समझने के बाद आखिरकार रोन को रोकने के लिए आशीष को दादी वाली बात बतानी ही पड़ी। लेकिन रोन को पूरी तरीके से यह बात गलत लग रहा था। उसने आशीष को कहा कि तुम पागल हो चुके हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी दादी तुम्हें दिखाई दे रही है। और क्यों दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब भी है? देखो, मेरे पास इसका कोई कारण नहीं है, पर पिछले 1 सालों से मुझे तुम्हारी दादी मुझे दिख रही है। कभी सपने में दिखती है तो कभी आंखों के सामने ही दिख जाती है। दादी हम दोनों के अच्छाई के लिए मुझे इशारों इशारों में काफी बातें बताती हैं, जैसे कि आज हमें इस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए या आज हमारे साथ यह हो सकता है, यह दुर्घटना हो सकता है, वह दुर्घटना हो सकता है। ऐसे वाकई कई सारी चेतावनी मुझे उन्होंने दिया है। रोन कहता है कि तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? आशीष कहता है, पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब मैंने 1 से 2 बार यह चीज होते हुए देखा तब मुझे विश्वास हुआ। वह सिर्फ इतना चाहती है कि हम दोनों सही सलामत रहे। रोने कहा, तब आज वह हमें पहले ही क्यों नहीं रोकी थी? आज तुम्हें यहां पर आने से पहले क्यों नहीं चेतावनी दी? आशीष ने कहा, हो सकता है इसका कोई कारण हो, मैं अभी क्लियर बता नहीं सकता, पर वह मुझे अभी दिख रही है उस कोने पर, और वह किसी भी हालत में हम दोनों को इस घर से बाहर जाने में मना कर रही है। वह मुझे यह भी इशारा कर रही है कि मैं तुम्हें पकड़ के रखूं और किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना देने कह रही है। शायद वह तुम्हें काफी प्यार करती है, कृपया उनकी बात मान लो, इसी में हम दोनों का भलाई होगा। चुपचाप रॉन एक कोने में जाकर बैठ गया, हैरान परेशान थका हारा बेचारा, और करता भी क्या। आशीष भी थोड़ी देर में उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों थोड़ा सा शांत होने का कोशिश करते हैं और आराम करने के लिए चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। अचानक थोड़ी देर बाद उन दोनों को एक ही साथ में एक बात सूझी, क्यों ना वह लोग उस पुराने से घर में जो टूटे फूटे सामान पड़े हुए थे, उन कबाड़ों में से कुछ ऐसा चीज वह लोग ढूंढ निकालें जिसकी मदद से जरूरत पड़ने पर खुद को बचाया जा सके और सामने वाले को जरूरत पड़ने पर हमला किया जा सके।
बहरहाल बाहर उन लोगों के पैरों की आवाजें थोड़ी देर रुकती फिर चालू हो जाती। ऐसा लग रहा था मानो कुछ लोग एक साथ लेफ्ट राइट करके उस घर का पहरा दे रहे हो। इधर धीरे धीरे वह लोग उठे और कोई लाठी जैसा सामान ढूंढने लगे। ऐसा करने पर थोड़ी ही देर में रॉन को एक अजीब सा छोटा सा चीज दिखता है। मोबाइल की लाइट को थोड़ा सा जलाने के बाद उन दोनों को बहुत ही भयावह दृश्य दिखता है। वह दोनों देखते हैं कि एक कंकाल जैसा हाथ जमीन पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल कंकाल बना हुआ हाथ। दोनों काफी डर जाते हैं और इस डर में वह लोग अब उस घर से निकलने के बारे में विचार कर रहे थे, लेकिन आशीष ने कहा, दादी अब भी इशारा कर रही है कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें रुकना ही पड़ेगा यहां पर। फिर से वह दोनों थोड़ा सा और देखें तो उन्हें एक दीवार खुदा हुआ दिखता है। रॉन उस दीवार पर जोर से एक लाठी से वार करता है। वह दोनों उसके बाद हक्का बक्का रह जाते हैं क्योंकि वह दीवार अब आसानी से टूट गया था। और उसके बाद तो मानो जो दृश्य उन लोगों ने देखा वह भयावह ही नहीं, किसी को भी बेहोश होने में मजबूर कर सकता था। उन लोगों ने देखा कि 4-5 लोगों का कंकाल एक साथ टूट फूट के गिर गए। उन लोगों को समझ में आ गया कि यह जो घर है इसमें कई सारे लोगों को मार के इस दीवार में चुनाव दिया गया था। अब रॉन बहुत ज्यादा पैनिक करने लग गया और वह अब उस घर में एक पल भी रुकने का मन नहीं बना पा रहा था। वह कैसे भी करके उस घर का दरवाजा खोलकर बाहर तेजी से भाग गया और कहा कि तुम भी चलो वरना हम लोगों के साथ यहाँ पर बुरा होगा। आशीष ने एक पल रुककर दादी की ओर देखा। दादी ने इशारा करके एक दीवार की ओर आशीष को दिखाया। उस दीवार में लिखा हुआ था कि तुम यहीं पर रुको, तुम कहीं मत जाना, मैं उसे देखती हूँ, तुम सुबह तक यहाँ से बिल्कुल मत निकलना चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर दादी बाहर की ओर चली गई। यह पढ़ते ही आशीष को समझ में आ गया था कि दादी सच में उन लोगों के साथ ही है, ये कोई उसका मन का वहम नहीं और वो सिर्फ उन दोनों का भला चाहती है, तो आशीष भी वहां पर रुकने का ही निर्णय लेता है। लेकिन उधर रॉन भागे जा रहा था। अंधेरे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोबाइल का टॉर्च काफी कम होने की वजह से उसे रास्ते नजर ही नहीं आ रहे थे। वह बस भागे जा रहा था। आशीष जोर जोर से उसे चिल्लाकर बुलाने लगा कि वापस आ जाओ, हम लोग यहीं पर सेफ हैं। लेकिन वह नहीं माना, वह रास्ता पकड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। तुरंत ही इधर आशीष को उन लोगों के पैरों के आवाज रॉन के पीछे जाते सुनाई दिया और थोड़ी ही देर में वहां पर शांति हो गई। आशीष को समझ में आ गया था कि बाहर के लोग हम लोगों के निकलने का ही इंतजार में है। वो बहुत परेशान होकर वहीं पर रोने लगा और सुबह जल्दी होने का इंतजार करने लगा। लेकिन अचानक से उसे दूर में एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। वो देखते ही आशीष के आंखों के सामने धुआं धुआं छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ ही देर बाद आशीष को एक सपना आता है। उस सपने में रॉन की दादी आशीष को कहती है कि पिछले कुछ समय से मैं इसलिए तुम्हें दिखाई देती हूँ क्योंकि यह स्वयं महाकाल का इच्छा है। आज तुम लोग कंचनगढ़ गुफा भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आ रहे थे और यही वह दिन था जिसके लिए मेरा एक छोटा सा अंश आज तक इस दुनिया में था। भगवान महाकाल भी चाहते थे कि आज इस घड़ी में मैं तुम लोगों के साथ रहूं। चिंता मत करो, वहां पर रॉन को कुछ नहीं हुआ है, उसे बचा लिया गया है। और हमेशा याद रखना, काल भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर महाकाल उसके साथ हो। ये जो घर तुम देख रहे हो जिसमें तुम सोए हुए हो या कह सकते हो कि अभी तुम बेहोश पड़े हुए हो, इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बहुत सालों पहले एक छोटा सा गांव यहां पर बसता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह मिट्टी के घर सब जमीन में मिल गए, चारों तरफ पेड़ पौधे उग गए और यह एक जंगल बन गया। बस यहां पर यही एक मकान है जो पक्का मकान है। हुआ यह था कि इस जंगल के ऊपर वाले पहाड़ पर कम से कम 70 साल पहले कुछ गुंडे रहा करते थे और वे अक्सर इस गांव के लोगों को तंग करने आते थे। और तो और इस गांव के रास्ते से जो भी रात को गुजरता उन्हें वह लूट लिया करते थे। एक बार की बात है, बहुत सालों पहले इस रास्ते से एक बाराती रात में गुजर रहे थे। उन लुटेरों ने उन बारातियों को लूटा। उन बारातियों में कुछ लोग उन लुटेरों से मारपीट करने में उतर आए, लेकिन अंत तक 20-25 लोगों का लुटेरों का झुंड उन बारातियों पर हावी पड़ा। लगभग 20 बारातियों के लोग तो वहां से भाग निकले, लेकिन जिसके घर में शादी थी उस परिवार के 4-5 लोग उन्हें उन गुंडों ने इस घर में ले आकर तड्डैपा तड्डैपा कर मार दिया और उनको इस घर में एक मिट्टी के दीवाल में चुनवा दिया। जैसे ही यहाँ के गांव वालों को इस बारे में पता चला, सब आग बबूला हो गए और इकट्ठा हो गए और उन गुंडों से दो दो हाथ करने का एक बार ठान ही लिया। गांव वालों ने साहस दिखाया और उन लोगों से भारी मारपीट किया। आखिरकार कुछ गुंडे भाग गए थे, लेकिन 17 गुंडों को गांव वालों ने मार दिया और इसी घर के आसपास गोल घेरा बनाकर गाड़ दिया। यह जो तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में इस घर के बाहर पैरों का आवाज सुनाई दे रहा था,
वह उन्हीं के पैरों की आवाज है। उन लोगों का भी मौत एक दर्दनाक मौत हुआ था, इसलिए आज भी उनके आत्मा यहां पर कहीं ना कहीं इस जगह पर जिंदा है। लेकिन वह कभी भी इस घर में नहीं घुस पाते, क्योंकि इस घर में उन चार लोगों का आत्मा है जो लोग काफी अच्छे लोग हुआ करते थे, और उन लोगों का आत्मा आज एक पॉजिटिव शक्ति बनकर यहां उपस्थित है। बहरहाल, जैसे ही रॉन इस घर से बाहर गया, वैसे ही वे चारों लोग भी बाहर उसके पीछे पीछे चले गए थे ताकि उसको बचाया जा सके, और मैं भी उनके पीछे पीछे जाकर उसको बचाने का कोशिश कर ही रही थी कि अच्छी बात यह है कि थोड़ी दूर जाते ही मुझे यह देखने को मिला कि वह फोर लोगों का आत्मा उन 17 गुंडों की आत्मा के साथ लड़ रहे हैं। अंत तक मैंने देखा वह चार पॉजिटिव शक्ति वे 17 नेगेटिव शक्तियों पर भारी पड़ी डा, और उसके बाद उनको मुक्ति मिल गई। और तो और, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मेरा भी काम इस दुनिया में अब हो चुका है, और अब मुझे भी मुक्ति मिल चुकी है, और वह 17 गुंडों के आत्मा भी यहां से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो चुके हैं, और वह अब इस जगह पर कभी नहीं आएंगे। अब तुम उठ सकते हो। उधर रॉन उस नियम के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। अब तुम लोग घर जा सकते हो। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। बस एक बात तुम दोनों हमेशा याद रखना, इस दुनिया ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो नंगी आंखों से आम लोगों को नहीं दिखती। बस महाकाल पर विश्वास रखो। आज अवश्य उन्हीं के चाहने पर मैं आज तक तुम लोगों के साथ थी। अच्छे से रहो। थोड़ी देर बाद आशीष का नींद टूटता है और वह देखता है कि सुबह हो चुकी है। सूरज की किरणें उसकी मुंह में हल्की हल्की पड़ रही थी। वह अपना मोबाइल निकालकर देखता है, सुबह के 7:30 बज चुके थे। वह फटाफट से घर के बाहर जाता है और उस नियम के पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां पर सच में रॉन बेहोश पड़ा हुआ था। आशीष फटाफट से रॉन को उठाता है और 2 मिनट होश संभालने के बाद वे दोनों अपने बाइक के पास पहुंचते हैं। उन दोनों ने डिसाइड किया कि बाइक को ठेल ठेल के अब ले जाया जा सकता है, लेकिन एक बार कोशिश करने पर बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। अब वह लोग चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। वैसे तो यह कहानी में कितना सच और कितना फसाना था यह किसी को भी नहीं पता, लेकिन उस रात उन दोनों ने जो देखा वह क्या था उन लोगों को खुद भी नहीं पता। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत ही मजेदार लगा होगा। ऐसा ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हर हफ्ते एक बहुत ही रोमांचक कहानी के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। इस YouTube चैनल पर अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं।